प्रदेश में गत समय से युवाओं के आत्महत्या मामले लगातार देखे जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में कई मामले मिले। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने युवा में लगातार बढ़ रही आत्महत्या के मामले को रोकने में हनुमान चालीसा को कारगर उपाय बताया है। मीडिया से चर्चा में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मानसिक रूप से परेशान लोगों को आत्मशक्ति देने में हनुमान चालीसा सबसे कारगर है। मानसिक रूप से परेशान लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो आए और हनुमान चालीसा पढ़े। हनुमान चालीसा पढ़कर अपने अंदर आत्मशक्ति पैदा करो। आज के युग के देवता हनुमान जी हैं। उन लोगों में जो सुसाइड करने की भावनाएं आ जाती हैं, ऐसे पाठ से वो खत्म होंगी। राज्य सरकार से भी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपील की है। सरकार को आनंद विभाग के माध्यम से कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को आत्मशक्ति मिल सके। सुसाइड करने की भावनाएं युवाओं और बच्चों में बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि पीसी शर्मा की विधानसभा में 29 अप्रैल को 51,000 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। सीता नवमी है 29 अप्रैल को, उसमें एक भव्य कार्यक्रम, ये नीम रोली वाले जो बाबा हैं उनका एक अनुष्ठान होता है। यहाँ भोपाल में पहले भी 5 नंबर पे 11,000 हनुमान चालीसाएँ पढ़ी गई थी। इस बार 51,000 हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, जिसमें पूरे क्षेत्र के और सब जगह के लोग एकत्रित होंगे। ये कुल मिला के जो एक पूरे वातावरण में, क्योंकि हनुमान चालीसा एक लोगों में एक शक्ति पैदा करती है। लोग में हम देख रहे हैं कि आए दिन लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्मबल लोगों का कम होता जा रहा है। तो नीम करोड़ी वाला बाबा का ये अनुष्ठान है जिसमें जितने लोग इसमें जुड़ेंगे तो वो जो लोगों के अंदर एक आत्मशक्ति कम होती जा रही है, इससे आत्मशक्ति बढ़ेगी। इसलिए हमने आह्वान किया ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए, उनको आमंत्रित किया। अभी 2 बच्चियां खुशी जिनका नाम था, अब अंदाज लगाई खुशी भी नगर के अंदर, उसने एक सुसाइड किया 9-10 साल की बच्ची ने, और अभी दूसरी लड़की फिर खुशी जो परिवार गया उसमें, उसका भी नाम खुशी था। और ये जो प्रजापति, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, जिसने नला जी से सुसाइड की, उसके बच्चे ने कहा है कि 12,500 रुपये वो स्कूटर छुड़ाने के लिए लग रहे थे, उसकी वजह से टेंशन था, जिसकी वजह से उसने आदमी को शामिल किया जाएगा जो मानसिक रूप से परेशान है। निश्चित तौर पर ऐसे वही आमंत्रण है एक जनरल कि भाई ये आओ, ये पढ़ो और एक आत्मशक्ति पैदा करो, क्योंकि आज के युग के देवता हनुमान जी हैं। और निश्चित तौर पर लोगों में वो जो भावनाएं आ जाती हैं सुसाइडल एक्ट ये करना, और युवाओं में ज़्यादा है, तो इसको मैं समझता हूँ कि लोगों को बल मिलेगा। इतना बड़ा आयोजन कभी हुआ है 51,000 की बड़ी? मैंने बताया ना 11,000 तक हुआ है, 51,000 हुआ नहीं, और वो हनुमान जी की कृपा से ही पूरा होगा। सर ये आप अपील करते हैं सरकार से भी इस तरह से जो